Hey, what's up, guys? We are finally back with another GTA 5 after a long time. आज मुझे तुम लोगों को माइकल का स्मैक्सी ब्रांड न्यू घर दिखाना है, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि दिस वीडियो इज पावर्ड बाय Zenko One Esports. Zenko One Esports बेसिकली मिडिल ईस्ट की कंपेटिटिव और कंटेंट क्रिएटर्स की टीम है. सो वो ईस्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन टीम है जिसके अंदर काफी मिडिल ईस्ट के कंपेटिटिव प्लेयर्स हैं, जैसे साइको ओरिजिन्स. Zenko One Esports इस वक्त फोर्टनाइट और लीग ऑफ लेजेंड्स के अंदर कम्पीट कर रही है, लेकिन इनका फ्यूचर में प्लान है मजीद गेम्स को लेकर आने का. और इस वक्त वो लोग पबजी मोबाइल और काउंटर स्ट्राइक प्लेयर्स को रिक्रूट कर रहे हैं. तो Zenko One Esports की सारी सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होंगी, तुम लोग इस वीडियो के बाद लाजमी चेक करना. थैंक यू Zenko One Esports फॉर पावरिंग दिस वीडियो, और लेट्स गेट बैक टू द वीडियो एंड एंजॉय द वीडियो. तो भाई, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि पिछली वीडियो के अंदर, पिछले एपिसोड के अंदर एक तूफान आ गया था, टोर्नेडो आ गया था पूरे लॉस सैंटोस के अंदर, जिसकी वजह से सारी तबाही हो गई थी. लेकिन लकीली फ्रैंकलिन के घर को कुछ हुआ नहीं है. वैसे फ्रैंकलिन के घर के पास से वैसे गुजरा था टोर्नेडो, लेकिन कुछ हुआ नहीं है. हमारी गाड़ियां भी सही सलामत खड़ी हुई हैं, हमारा घर भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा है, लेकिन माइकल बेचारे का घर पूरा का पूरा टूट फूट चुका है, पूरा फाड़िग हो चुका है. लेकिन जैसा कि तुम लोगों को पता है कि हम लोगों ने इतनी राबड़ी और इतने पैसा पैसा वैसा चुराया है, इतनी किडनैपिंग की है, जिसके बाद हमारे पास पैसा ही पैसा आ गया था. तो हमने उन पैहों का मेंशन खरीदा है, वो भी प्रेसिडेंट हाउस के बिल्कुल साथ. तो अभी हम लोग माइकल को कॉल करके उसी के घर जाने वाले हैं, क्योंकि उसने हमें इन्वाइट किया अपने ब्रांड न्यू घर के अंदर. कितने आ गया माइकल 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 हैंगआउट, बस मैक्सी हो गया. माइकल अपने घर के अंदर अपने पुराने घर वाली जगह पे वेट कर रहे हैं. तो हम लोग अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार पकड़ते हैं. तो हमने अपनी रेवेंटन पकड़ ली है और हम लोग इस वक्त जाएंगे माइकल के घर. और आई नो कि मैंने बोला था कि हम लोग यूट्यूबर की गाड़ी भी चुराने वाले हैं, लेकिन मैं इस एपिसोड में नहीं कर सकता, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर मुझे तुम लोगों को घर वगैरह दिखाने. लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, यानी कि कल, हम लोग पक्का यूट्यूबर्स की गाड़ियां चुराएंगे, जैसे टेक्नो गेमर हो गया, KSI हो गया, जेली हो गया, कहते हो तो जैद अली की BMW भी चुरा लेते हैं. तो नेक्स्ट एपिसोड होगा काफी स्मैक्सी, लेकिन इसके अंदर मुझे तुम लोगों को माइकल का घर दिखाना है, क्योंकि माइकल के घर के बगैर हम लोग गाड़ियां स्टोर नहीं कर सकेंगे. अगर हम लोग चुरा भी लेंगे तो स्टोर कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास पुराने वाला घर ही नहीं होगा. तो अभी हम लोग चलते हैं माइकल के घर. माइकल माइकल माइकल, ये हम लोग पहुंच चुके हैं माइकल के घर की तरफ. और लेकिन हम लोग ना अभी माइकल पे स्विच कर लेते हैं, ताकि आ जा भाई, आ जा फ्रैंकलिन, आ जा आ जा आ जा, शाबाश. और टक्कर मार दी ओए कुतिया. हाँ जी, कैसा है? तुम लोगों को मैं इस घर की हालत बता दूं कि ऐसी है कि इस घर में जो है हम लोगों ने बाहर काफी हद तक साफ करवा लिया है. जो यहाँ पे सारा टूट फूट चुका था वो सारा साफ करवा लिया. पीछे जो पत्ते जो सारे उग गए थे वो सारा साफ करवा लिया. वो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, वहाँ पे जो प्लेन क्रैश हुआ था वो भी अब नहीं है, और वहाँ पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है. तो काफी हद तक डेवलपमेंट हो गई है. हम लोग घर के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग ने ये घर बेसिकली बेच दी है. हमारी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो नए घर वाली जगह पे जा चुकी है. चुप करेगा दो मिनट. अच्छा, तो हमारी फैमिली जो है उधर जा चुकी है, और अब हम लोग ये घर को आखिरी दफा देख रहे हैं. दिस घर इज नो मोर. हम चलिए अपने नए कार में बैठ जा भाई. तो हमारा जो नया घर है वो है बिल्कुल प्रेसिडेंट हाउस के बिल्कुल साथ, यानी कि कोई इस तरफ हमारा घर है. और फायदा भी है प्रेसिडेंट हाउस के बिल्कुल साथ घर लेने का, क्योंकि एक तो हमारे पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी आ जाएगी, और दूसरा ये कि यूट्यूबर्स की गाड़ियां चुराने के बाद हम लोग प्रेसिडेंट के भी कुछ चुराएंगे. गाड़ियां हो गई या उसका कोई प्रेसिडेंट के अंदर हाउस के अंदर अगर कोई कीमती शय होगी वो भी चुरा लेंगे, क्योंकि हमने सारा का सारा पैसा जो है घर पे लगा दिया और हमारे पास जीरो पैसा है. तो माइकल बेसिकली इस वक्त हो चुका है ब्रोक. तो यूट्यूबर्स की गाड़ियां चुराने के बाद हम लोग प्रेसिडेंट की लेमोजीन और उसकी सीक्रेट परसूट गाड़ियां चुराएंगे, लेकिन ये सारा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही करेंगे. आई नो कि तुम लोग काफी एक्साइटेड है यूट्यूबर्स गाड़ियां चोरियां एपिसोड देखने के लिए, लेकिन अब जाहिर है माइकल का घर भी रहता था तो मुझे उसका भी तुम लोग को टूर देना है. ये रहा प्रेसिडेंट हाउस. अब अगर ये प्रेसिडेंट हाउस है तो हमारा घर का गेट, हाँ ये रहा. दिस इज आवर ब्रांड न्यू मेंशन. यहाँ पे एक और रेवेंटन भी खड़ी है. वैसे हम लोग रुक जाते हैं. आ जा फ्रैंकलिन, बाहर आ जाओ. लॉक लगा लेते हैं भाई इसको. आ जा भाई. बॉयज, मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं, ये रेवेंटन हो गई या ये जितनी भी गाड़ियां हैं, ये हमारी नहीं है. हम लोगों ने ये घर जो है असल में शेयर किया है एक बंदे के साथ. तो ये जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है ये शेयर्ड है. एक हमारे नाम पे है और एक और बंदा है उसके नाम पे है. उसके बंदे भी यहीं पे रहते हैं. तो ये गाड़ियां सारी उसकी हैं. उसने हमें बस सिर्फ अंदर एक दो गाड़ियां चलाने की इजाज़त दी हुई है, लेकिन टेंशन नहीं है. हमारे पास अपना फ्रैंकलिन बॉय है निब्बी. और निब्बे गाड़ी चलाने देगा ना अपनी? हाँ बस ठीक है, यस कर दिया इसने. तो अब मैं तुम लोग को अंदर से टूर करवाता हूँ. और ये हम जा चुके हैं अंदर, और अंदर जाते ही तुम लोग देख सकते हो काफ़ी लग्जरी हमारी लॉबी है. और अंदर जाते ही यहाँ पे हमें एक कैफ़े टेबल मिलेगा, कॉफ़ी टेबल, और यहाँ पे हमारा सोफ़ा शोफा, ये ड्राइंग रूम है हमारा, जहाँ पे मेहमान आके यहाँ पे चिल्ले मारते हैं. क्या ये अपनी बच्ची से बात करे? टिटी टिटी लगा हुआ है. ओए हरामी है, तू इधर शेफ बनने आया है, यहाँ पे पॉन स्टार बनने आया है, जॉनी सिंह वर्गे मुत्ते कुत्ते, दफा हो. ओए आगे से, ये तो लड़ाई करने आ गया. ओए बस ठीक है, सेट हो गए. ओए ओए तेरे प्यो, ओए
बस ठीक है ना, बस ठीक है, नहीं मारना चाह रहा मैं तुझे, एक दफा बस ठीक है, लड़ना है तुम्हारी भैन नु कुटिया, तुझे खान बनाने खाना बनाने के लिए इधर लेके आए हैं या तू अपनी बेबे नाल बातें करी जा रहे हैं? बस ठीक है, हरामी मर गया, अब नहीं पंगा लेगा। तो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि ये है हमारा ट्रिपल मॉनिटर सेटअप, ये हमारा किचन है और ये हमारा शेफ था, मर गया कुत्ता, अजीब जॉनी सिंह बनने की कोशिश कर रहा, और ये खाना वगैरह यहाँ पे हम लोग खाते हैं, और ये हमारी साइड चिक्स हैं, ये बच्ची हैं, ये अगर हम लोग अपनी बीवी से बोर हो जाएं तो ये जो है हमें काफी जो है सीन करवाती है हमारा ऑन। ये है हमारा स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के अंदर मैं तुम लोग को जाकर दिखाता हूँ, एस मैक्सी स्विमिंग पूल है भाई, और ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग खड़े होकर प्रेसिडेंट हाउस को स्पाई किया करेंगे। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, उसके हाउस को देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि जब वो अपनी लिमोजीन के अंदर आएगा अगली स्पीच करने तो हम लोग यहाँ से जो है उस पे वार शार कर सके। और ये हमारा हेलीकॉप्टर है, लेकिन ये मतलब हमारे घर में ही होता है, हमारा नहीं, ये उसी का है जिसका जिसके साथ हमने शेयर किया ना प्रॉपर्टी, ये वो बंदा है। लेकिन गाइस हम लोग बताना ना इसको, हम लोग इसकी लेंगे आगे जाके, इसको मार मूर के ना ये सारी की सारी चीजें अपने नाम कर लेंगे, क्योंकि अब जाहिर है प्रॉपर्टी में शेयर है, अगर एक बंदा जाएगा तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दूसरे बंदे की हो जाएगी, तो इसको जाना पड़ेगा भाई। ये जो कॉफी पी रहे ना हरामी, तो फ्रैंकलिन किधर गया है? और फ्रैंकलिन ओए निबे किधर दफा हो गया, चलो छोड़ उसको, उसको फाड़ी कराओ। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ, नीचे बड़ा स्मैक्सी सीन है, तुम लोगों को मैं अपनी बेब से मिलवाता हूँ, बेब से। और ये जो है ना, ये हमारा स्नूकर टेबल है, और ये हमारी असिस्टेंट होती है जो वैसे काम की नहीं है, सुटाई लगाती रहती है हमेशा, तो मार दें इसको, मार दें, नहीं छोड़ो भी बाद में मारते हैं इसको, बाद में देखते हैं इसको। लेकिन एक ही अच्छी बात है कि ये ना नंगी नहीं है, अभी मैं तुम लोगों को नीचे जो जो दो नंगी लड़कियां दिखाई है ना, तुम लोगों को मैं इतना बता दूं कि वो अलाउ नहीं है वैसे हमारे घर नंगा होना, तो वो रूल को फॉलो नहीं कर रही, तो उनको भी हम लोग बताते हैं थोड़ी देर तक। हम लोग फिलहाल मैं तुम लोगों को नीचे लेके चलता हूं। ये इधर है हमारा सारा बेडरूम शेडरूम यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी बेब इंतजार कर रही है, नहीं बेब नहीं है यहाँ पे, कहाँ है, खैर ये हमारा बेडरूम है, और एक सेकंड, ये बेडरूम के साथ ही इन्होंने कमोड लगाया हुआ है, यानी कि अगर यहाँ पे अगर कोई टट्टी कर देगा तो ले दरवाजा ही नहीं है, वर गए भाई, मतलब दरवाजा तो बनाए थे, यहाँ पे कोई टट्टी शट्टी कर दे स्मेल आ जाए, और मतलब वो यहाँ पे इसको सोना पड़ेगा, अजीब यार, अमीरों के भी अजीब ही शौक है। ये हमारा प्रोजेक्टर है, हमारा यहाँ पे प्राइवेट मूवी, हम लोग यहाँ पे बीपियां शिपियां जॉनी सिंस की हैवी मूवीज देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये एक बात मुझे समझ नहीं आई, ये टट्टी करके, और देखो टट्टी वॉशर भी ना उन्होंने, वो जो टट्टी साफ करने वाला पुल करने वाला, वो भी उसके बिल्कुल साथ ही रखा हुआ है, स्मेल नहीं आती क्या इनको? आई थिंक ये दरख्त भी अंदर इसलिए रखा होगा क्योंकि इसे अच्छी खुशबू आती है जो टट्टी की स्मेल को ना थोड़ी कवर कर देती है शायद। खैर ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ सेकंड बेडरूम, जहाँ पे हमारी बेब इंतजार कर रही होगी, बेब साड़ी बेब 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 आए साड़ी बेब, कैसी है? लेकिन ये नंगी है, इसको मैंने मना किया है नंगा नहीं रहना, घर में और भी मर्द घूम रहे होते हैं यार। अभी वो तुम लोगों ने देखा होगा मालिक मकान, वो नीचे हेलीकॉप्टर के पास खड़ा हुआ था। अब मुझे बताओ जब हम लोग बाहर फ्रैंकलिन के साथ गए होंगे, क्या पता वो मालिक मकान यहाँ पे आया हो, इसको मैंने कहा है कि नंगा नहीं घूमना घर में, जब कुतिए एक सेकंड इसके ऊपर ना मैं चरके ना इसको मैं बताता हूँ, कुतिए जब मैंने तुझे कहा था कि नंगा नहीं घूमना तो यहाँ पे तेरा क्या, तो यहाँ पे तेरे प्यो किसकी तेरी, इसकी इसको मैं बताता हूँ, हम लोग मेक श्योर करेंगे कि मर गई है, एक सेकंड हम लोग मेक श्योर करेंगे कि मर गई है, स्मैक्सी हो गया। अब हम लोग इसकी जो लाश है ना छुपा देते हैं, एक सेकंड यहाँ से थोड़ा सा साइड पे हट के ना, और बस ठीक हो गया, स्मैक्सी हो गया। अच्छा अब किसी को पता तो नहीं लगेगा, एक पुलिस आ गई है यार, चलो छोड़ो इसको, पुलिस को छोड़ो, लेकिन यही होता है घर में नंगा नहीं घूमते यार, इसको जब मैंने बताया यार घर में, मतलब तुम लोग मुझे खुद ही बताओ, और भी मर्द हैं यार यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम नंगे घूमोगे, घर हमने शेर पे रखा हुआ है, नीचे फ्रैंकलिन और ट्रेवर हमारा वेट कर रहे हैं, अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, वो देखो वो फ्रैंकलिन और वो ट्रेवर, अब ऊपर आके काम शाम कर दें तो हमें तो नहीं ना पता लगेगा, और उसको नंगा होने का शौक है उस कुत्ती को, खैर छोड़ो। ये है हमारा तीसरा बेडरूम, यहाँ पे हमारा जो है पीसी पर आवा है, मैक पर आवा है, ये हमारे बेटे का बेडरूम है, और यहाँ पे देख सकते हैं उसकी टापे के शौक भी लगे हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं जी नीचे ट्रेवर श्रेवर से मिलने, और मैं तुम लोगों को एक और भी चीज़ बताता हूँ, ये बहुत सीक्रेट है, यहाँ पे अगर तुम लोगों को अर्जेंट टी है, अर्जेंट टट्टी के लिए ना, ये हम लोगों ने यहाँ पे एक सीक्रेट वॉशरूम बनाया है, लेकिन ये वॉशरूम सिर्फ हगने के लिए नहीं है, यहाँ पे आप और भी बड़े काम कर सकते हो। अब मैं तुम लोगों को सीक्रेट बंकर लेके जाता हूँ, ये है हमारा सीक्रेट बंकर, जहाँ पे हमारे मालिक मकान के बाकी के स्पोर्ट्स कार खड़ी होती हैं, इसमें से हमें उसने कुछ ना कुछ चलाने की इजाज़त दी हुई है, यानी कि उसने हमें इजाज़त दी हुई है कि आप चला के कि आप चला सकते हो, लेकिन हमें ना वापस भी लेके आनी पड़ेगी, मसला ये है। और ये है हमारे बॉयज़, वो इधर हमारा लेस्टर खड़ा होता है, हमारा मास्टर माइंड जो हमें सारी हैकिंग शैकिंग और हमारे सारे रॉबरी प्लान करता है, हाइस्ट वगैरह प्लान करता है, इसको पता नहीं इस वक्त दौड़े पड़े हुए हैं, कुछ ज़्यादा पी हुई है शायद इसने, एक मुक्का मार के देखते हैं कि आपका सही हो जाए, हाँ पी हुई है इसने,
मरा नहीं है ये, बट टुंड हो गया शुक्र है। खैर यहाँ पे हमारे टेवर और फ्रैंकलिन बॉयज यहाँ पे चिल वगैरह मारते हैं, ये हमारी सारी हाइस्ट प्लान करने के लिए मेडिसिन ड्रग्स वगैरह हैं, और ये हमारा पहा 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 ही पहा, लेकिन ये हमारा नहीं है, ये आई थिंक ट्रेवर या फ्रैंकलिन में से किसी का है। हमारे पास तो अब जीरो हो गया क्योंकि हम लोगों ने ये पूरा मेंशन खरीद लिया है। और ये फ्रैंकलिन कुत्ता पता नहीं यहाँ पे हमेशा खड़ा होकर ये व्यू ही कर रहा होता है, पता नहीं क्या उसको नजर आ रहा है। और यहाँ ऊपर नहीं जाके देखा मैंने, वैसे ऊपर जाके देखते हैं क्या है। अच्छा ये वही हेलीकॉप्टर का ही वो जगह है जहाँ पे हम लोग पहले गए हुए हैं। लेकिन एक सेकंड, इनको मैंने वैसे रूल बताया है कि यहाँ पे नंगा नहीं होना, ये क्या कर रही है? ओए ये यहीं पे टट्टी करने वाली है, देखो जोर लगा रही है। एक सेकंड एक सेकंड, तुझे जब मैंने कहा था कुत्ती है, नहीं नहीं कोई एल मेरा मनी, मनी तो मैं दे रहा हूँ तुझे, तू मुझे एक बात बता, तुझे जब मैंने नंगा होने से यहाँ पे मना किया, नो हेल्प नो हेल्प, तुझे मैंने नंगा होने से मना किया किया कि नहीं? नहीं 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 नहीं, नंगा होने से तुझे मना किया कि नहीं? एक सेकेंड, इन पे ना इनको मैं भी टॉर्चर करता हूँ, ये इधर ना C4 फेंक देते हैं। हाँ अब तुम लोगों में से जो भी हिला मैंने C4 उड़ा देने, सिंपल ठीक है। पैंट या क्या अपनी लगानी, चुप ओए तू ऊपर देखती है ओए, तुझे जब तेरी बारी आएगी अभी, नहीं नहीं तुझे जब मैंने यहाँ पे नंगा होने से मना किया है, तू यहाँ पे अपने बब्बे निकाल के बैठ गई है कुत्ती है, क्या करें यार इनका क्या करें। हमारे घर में, नए घर में नंगा होना अलाउ नहीं है। ये बेब्स को हम लेके आए थे, लेकिन जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि वो हमारा जो मालिक मकान है वो बड़ा हरामी है, उससे ऐसे पूछ के आते हैं मालिक मकान से कि कुछ काम वाम तो नहीं किया इसने कोई गंदा। ओए बॉटल ओ नूबरे, सुन 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 ओ भाग ना ओए ओए सीधा हो जा, तुझे मैं कह रहा हूँ कि यार तुझे जब मैं भागने से मना कर रहा हूँ कुत्ते, भाग ही जा रहा है। चलो अब ठीक है शुक्र है खड़ा हो गया। ओए ओए खुदकुशी कर ली, तुम सारे गवाह हो कि मैंने इसको खुद नहीं मारा, ये मेरे हाथ में कोई गन भी नहीं थी, इसको मैंने फोर्स नहीं किया कि इसको खुदकुशी करने का, लेकिन अब इसने खुदकुशी कर ली है, तो इसी बहाने ये सारे हेलीकॉप्टर सारी गाड़ियां हमारी हो चुकी हैं, वो बेबियां भी हमारी हो चुकी हैं। ओए ओ कबरान दी लोड नहीं आएगी, ओ हरामी चला गया है कबरान, नहीं 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 कबरान दी लोड नहीं आएगी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कबरान दी लोड नहीं आएगी, अबे टेंशन वाली बात ही नहीं है, अबे चीखे क्यों मार रही है, बस मुझे इतना बताओ कि अब बाकी गैर मर्द के आने पे यहाँ पे नंगा नहीं होना, बस इतना बताओ हाँ या ना, मानेगी कि नहीं? अभी देख नीचे फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी आए हुए और तुम लोग यहाँ पे नंगा होके बैठ गए हो, आई थिंक ये लोग हमारी बात मानेंगे नहीं, क्या करें बॉयज इसका इनका, तुम लोग मुझे बताओ क्या करें यार। कड़ी जा रही है बकवास बकवास कड़ी जा रही है कड़ी जा रही है बकवास, इनको जब मैं कह रहा हूँ बकवास बंद रखो बस नंगा नहीं होना, कपड़े पहन के आया थी चुप करके, मैं इनको जाने देता, पुलिस पड़ गई यार तीजी, पुलिस को बताते हैं यार इसकी ना, ये जो मालिक मकान की एक स्पोर्ट्स कार पकड़ते हैं अभी, कौन सी इसकी स्पोर्ट्स कार पकड़ें, ये हमारी बस यही हमारी एक असिस्टेंट अच्छी है, छुट्टे छुट्टे लगाती है, नशे वशे करती है, इतनी कोई खास है भी नहीं, लेकिन कपड़े पहनती है कम अज कम। हम लोग पकड़ते हैं अपने ये वाली गाड़ी, ये बेसिकली हमारी इमरजेंसी एग्जिट है, यहाँ पे वो जो गेट है ना वो खुद खुलता नहीं है, वो गेट पूरा का पूरा जैम है, तो ये गेट स्मैश करके हम लोग सीधा रोड पे चढ़ सकते हैं। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ 3 2 1 ओके बड़ी ओके 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 ओ समैक्सी हो गया भाई। अबे यार ये पुलिस को पता लग गया कि हमने बेबियां मार दी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यूट्यूबर्स की गाड़ियां चुराएंगे। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी छोटी है क्योंकि मुझे इसके अंदर सिर्फ घर वगैरह कवर करना है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो बहुत हैवी होगी। ओए रास्ते में आ गया कुत्ता। नेक्स्ट वीडियो बहुत हैवी होगी, हम लोग यूट्यूबर्स की गाड़ियां चुराएंगे, टेक्नो गेमर्स हो गया और ये जितने भी हैं, और उसको रखेंगे फ्रैंकलिन के घर, तो घर अपना नाम हो गया, गाड़ियां हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चुरा रहे हैं। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ GTA 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी आर फाइनली बैक, बाय 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 बाय।